हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मार्केंसिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि फैमिली रिस्केसी के क्या सॉरी फैमिली मार्केंशियसी के क्या करेक्टर्स हैं, और उसके बाद फिर हमने मार्केंशिया के जनरल करेक्टर्स स्टडी करे थे। आज हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डॉर्सल सरफेस क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो जो गैमेटोफाइट है मार्केंशिया का, वो क्या है? प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब है कि स्ट्रिक टू द सर्फेस। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, और डायकॉट मसली ब्रांच होता है जिसकी अलग अलग, मतलब थैलस की अलग अलग ब्रांचेस होती है और हर ब्रांच अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डॉर्सल सरफेस क्या होती है। तो डॉर्सल सरफेस में सबसे पहले तो एक मिडरिब होती है। ठीक है, ये है देखो मिडरिब, ये लाइन दिख रही है आपको, जो ये लाइन है ये क्या है? मिडरिब है, जो कि डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती है। और क्या होती है डॉर्सल सरफेस में? पॉलीगोनल या फिर डायमंड शेप की मार्किंग्स होती हैं। ये दिख रही है आपको, ये क्या है? पॉलीगोनल या डायमंड शेप की मार्किंग्स होती हैं। और इनके सेंटर में क्या होता है? ये जो सेंटर में आपको दिख रहे होंगे, इनके सेंटर में क्या होते हैं? मिडल में एक सेंट्रल पोर होता है, और इसी पोर के थ्रू क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है। और जो ये पॉलीगोनल मार्किंग्स होती हैं, इन पॉलीगोनल मार्किंग्स के अंदर के बाद क्या होता है, अगर हम इंटरनली देखें इनका स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डॉर्सल सरफेस में क्या होता है? गैमा कप होते हैं, और उन गैमा कप में क्या होता है? गैमी होते हैं, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखो क्या होता है डॉर्सल सरफेस में? गैमा कप है ये। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट अलोंग द मिडरिब, मतलब मिडरिब में ही वो प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, और ये क्या है? गैमा कप है। तो ये गैमा कप जो है ये थैलस के डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और अलोंग द मिडरिब, मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं। और इन गैमा कप में क्या होती है? गैमी होती है। क्या होती है? गैमी, जो कि वेजिटेटिव प्रपोगेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक एपिकल नॉच प्रेजेंट होती है। ये जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या होता है? थैलस का एपिक्स होता है ना, तो उस एपिक्स में क्या होता है कि एपिकल नॉच होती है। एपिकल नॉच एक ग्रोइंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसी एपिकल नॉच, इसी क्या होता है जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, इसी से क्या होता है कि आगे का जो थैलस है, जो थैलस की ब्रांचेस होती हैं, वो ग्रो करती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक डिप्रेशन है ये, तो यहाँ पे एपिकल नॉच होगा, उसके बाद यहाँ पर भी डिप्रेशन है, ये है ग्रूव। ठीक है, थैलस इन अ ग्रूव मतलब कि डिप्रेशन, ग्रूव का मतलब है डिप्रेशन। तो इस डिप्रेशन में क्या होता है? एपिकल नॉच प्रेजेंट होता है। एपिकल नॉच एक ग्रोइंग क्या होता है? पॉइंट होता है, जो कि थैलस का जो एपिक्स होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और जो थैलस की ब्रांचेस होती हैं वो इसी एपिकल नॉच के थ्रू क्या करती हैं? आगे फर्दर ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि डॉर्सल सर्फेस में क्या क्या उसके कैरेक्टर्स है, डॉर्सल सर्फेस में क्या क्या चीजें होती हैं। मैं इनको रिमूव कर देती हूँ साइंस को, और आप इसको इजीली जो है नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि वेंट्रल सरफेस क्या होती है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस में क्या क्या आपको चाहिए? डॉर्सल सरफेस क्या थी? ऊपर वाली सरफेस। ठीक है, ये देखो ये है ऊपर वाली सरफेस, ये है वेंट्रल सरफेस। ठीक है, क्या है? वेंट्रल सरफेस। डायग्राम भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो डायग्राम में ज्यादा आप तो बायो स्टूडेंट्स को तो बनाना पड़ता है डायग्राम। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम पढ़ेंगे कि वेंट्रल सरफेस जो होता है वहां पे क्या चीजें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि वेंट्रल सरफेस में राइजॉइड्स और स्केल्स होते हैं। वेंट्रल यानी कि जो नीचे वाला सरफेस होता है, जो ग्राउंड की तरफ को अटैच होता है। ठीक है, ग्राउंड की तरफ को जिसने फेस किया होता है, तो क्या चीज होती है कि इसमें एक राइजॉइड्स होते हैं और एक स्केल्स होते हैं ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिब। देखो ये क्या है, ये है मिडरिब, और इसके इस साइड भी और इसके इस साइड भी। देखो दोनों साइड क्या है? दोनों साइड प्रेजेंट है ना, स्केल्स जो है वो दोनों साइड प्रेजेंट है। राइजॉइड्स और स्केल्स दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं मिडरिब के। ठीक है, अब क्या होता है कि जो राइजॉइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, एक होते हैं ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स ये है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, ये थोड़े वाइडर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? थोड़े से वाइडर होते हैं। और क्या होता है, इनकी वॉल क्या होती है? स्मूथ होती है। ठीक है,
और ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स क्या होते हैं? ये है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स, ये इसका आउटर अपीयरेंस है और ये इसका इंटरनल अपीयरेंस है। ये पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ये पेग लाइक स्ट्रक्चर जो है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स में होता है। तो ये है राइजॉइड्स। अब राइजॉइड्स क्या होते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है राइजॉइड्स का? राइजॉइड्स क्या होते हैं? बिल्कुल रूट लाइक होते हैं। जैसे प्लांट में क्या होते हैं, रूट एब्जॉर्प्शन का इनका फंक्शन परफॉर्म करती है और प्लांट को क्या करती है, सॉइल से अटैच करके रखती है ना। उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे रूट्स नहीं होती लेकिन राइजॉइड्स होते हैं, और राइजॉइड्स क्या करते हैं कि रूट्स की तरह जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका फंक्शन होता है, पहले तो क्या करता है कि थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है, जो थैलस है उसको अटैच करके रखेगा सरफेस से। दूसरा क्या होता है कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स होते हैं वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये थे हमारे राइजॉइड्स का पार्ट। ये था राइजॉइड्स का पार्ट। अब क्या होते हैं कि वेंट्रल सरफेस में जो है स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस में स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, देखो स्केल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर। मार्केंशिया में जो स्केल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और वन सेल्ड थिक होते हैं, ठीक है, वन सेल्ड थिक होते हैं। और स्केल्स जो होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। वॉयलेट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एंथोकाइनिन एक पिगमेंट है, तो उस पिगमेंट की क्या होती है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एंथोकाइनिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस वजह से मार्केंशिया में जो स्केल्स होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। अब क्या होता है कि दे आर अरेंज इन टू रोज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिब। ये क्या, देखो ये है ना, ये स्केल्स प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं कि टू या फिर जो है टू रोज में ये स्केल्स जो है ये अरेंज रहते हैं, और मिडरिब के दोनों ही साइड क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। उसके बाद है कि लेकिन एक मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो स्पीशी है मार्केंशिया की, इसमें क्या होता है कि 3 to 4 rows होती है, ठीक है, इसमें 3 to 4 rows होती है on both the sides or either sides of the Markensia। अब क्या होता है इसके types? अब ये दो type के होते हैं, एक होता है appendiculate scales, एक होता है ligulate scales। तो appendiculate scales क्या होते हैं कि इनका एक characteristic feature होता है कि इनमें क्या होता है कि apical sub-rounded appendages होते हैं। apical sub-rounded appendages होते हैं यहाँ पे, जो कि क्या करते हैं, दे फॉर्म द इंटरनल रो, ये इंटरनल रो बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म यहाँ पे आएगा कि राउंडेड अपेंडेजेस एंड दे फॉर्म द इंटरनल रो ऑफ स्केल्स मिडरिब के क्लोज जो होगी, ठीक है, अंदर के ये क्या करते हैं, अंदर के बनाते हैं, जो अंदर वाली रो होती है वो बनाते हैं और ये मिडरिब के क्लोज होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे ये है, देखो ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये एपिकल सब राउंडेड अपेंडेजेस। सब राउंडेड मतलब जो कंप्लीटली राउंडेड नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ कुछ एजेस क्या होती हैं उसकी राउंडेड होती हैं, ठीक है, और ये एपिक्स में होंगे मेनली। यहाँ पे ये क्या है, देखो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, ये चीज है। और ये क्या बनाएंगे, जो इंटरनली जो इंटरनल रो है स्केल्स की, अपेंडेजेस वो बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लेग्युलेट जो स्केल्स है वो क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और इनमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो आउटर रो होती है स्केल्स की उसको फॉर्म करते हैं। ये है लेग्युलेट स्केल्स, तो ये क्या करते हैं, जो आउटर रो होती है उसे फॉर्म करते हैं, ये स्मॉल होते हैं और इनमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते, ठीक है, ये चीज है। अब जो स्केल्स है इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो थैलस का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और वाटर रिटेन भी करते हैं, वाटर रिटेंशन भी करते हैं थ्रू द कैपिलरी एक्शन, वाटर रिटेन भी करते हैं थ्रू कैपिलरी एक्शन, और जो थैलस का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको भी क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये था हमारा वेंट्रल सरफेस। तो हमने डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों ही पढ़ लिए हैं, मैं मार्क्स हटा देती हूँ। अब डॉर्सल सरफेस में क्या होते हैं कि जो ये होते हैं ना आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो भी डॉर्सल सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये मार्क्स रिमूव कर देती हूँ सारे, ये मैंने आपको डायग्राम दे रखे हैं और ये मैंने कहीं नेट से नहीं निकाले हैं, सिंपली मैंने आपको बुक से दिए हैं, ठीक है,
और बहुत इजी डायग्राम है, अगर एग्जाम में आप इनको लिखते हो और समझाते हो तो आपको एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा। क्योंकि डायग्राम अगर आपने बना दिया और दो तीन पॉइंट लिख दिए, पॉइंट टू पॉइंट बताए मैंने आपको, दो तीन पॉइंट आपने लिख दिए तो वो नंबर अच्छे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये है वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में क्या क्या चीजें थी? डॉर्सल सरफेस में सबसे पहले क्या था? एक हमारा मिडरिफ था, और वो मिडरिफ जो था थैलस की डॉर्सल सरफेस में था। उस मिडरिफ में क्या थे? गैमा कप थे, विच आर प्रेजेंट अलोंग द मिडरिफ। मिडरिफ में ही गैमा कप प्रेजेंट थे। उन गैमा कप के अंदर क्या था? गैमी थी, जो क्या करती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और क्या होता है कि वहां पे पॉलीगोनल या डायमंड शेप की मार्किंग्स होती है, और उनके बीच में एक सेंट्रल पोर होता है, ठीक है। मिडल में क्या होता है? एक सेंट्रल पोर होता है जो कि गैशेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एपिकल नॉच होती है। एपिकल नॉच एक पॉइंट होता है जो कि थैलस की एपिक्स में प्रेजेंट होता है, इन अ ग्रूव। इन अ ग्रूव का मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। और क्या होता है कि जो थैलस की अलग अलग ब्रांचेस होती है वो इसी एपिकल नॉच के थ्रू क्या करती है? ग्रो आगे करती है। दूसरी बात, फिर हमने वेंट्रल सरफेस पढ़ी। तो वेंट्रल सरफेस से पहले तो क्या होता है? वेंट्रल मतलब नीचे वाली सरफेस, जो सरफेस की तरफ को जिसका फेस होता है। तो वहां पे स्केल्स और राइजॉइड्स होते हैं। राइजॉइड्स यहाँ पे कलरलेस होते हैं, ठीक है, कोई कलर उनका नहीं होता, और यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। और दो तरह के राइजॉइड्स होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ वॉल्ड, एक होता है ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वॉल्ड थोड़े से वाइडर होते हैं, और क्या होते हैं कि उनमें जो होती है वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है। और ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स जो होते हैं उसमें पैग लाइक प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, पैग लाइक प्रोसेसेस होती है। फंक्शन इनका होता है बिल्कुल रूट्स की तरह। ये क्या करते हैं? थैलस को सबस्ट्रेटम से या सरफेस से अटैच करके रखते हैं राइजॉइड्स, और वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, फिर हमने पढ़ा स्केल्स। तो स्केल्स यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर होते हैं और वन सेल थिक होते हैं, ठीक है, एक सेल के बराबर थिक होते हैं ये। और क्या होता है कि इनका कलर जो होता है वो होता है वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें क्या होता है कि एंथोकाइनिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉयलेट कलर के होते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं ये टू रोज में प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ मिडरिफ। जैसे अगर ये मिडरिफ है तो इस साइड भी प्रेजेंट होंगे स्केल्स, इस साइड भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा एक स्पीशी होती है जहां पे क्या होता है कि फोर रोज होती है दोनों ही साइड मिडरिफ के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्केल्स होते हैं दो टाइप के, अपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं और एक होते हैं हमारे लिग्यूलेट स्केल्स। तो अपेंडिकुलेट स्केल्स जो होते हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि यहाँ पे एपिकल सब राउंडेड क्या होते हैं? अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है, अपेंडिजेस होते हैं। और क्या होता है कि ये क्या करते हैं? इंटरनल रो बनाते हैं, दे फॉर्म द इंटरनल रो ऑफ द स्केल्स। मिडरिफ के टूवर्ड्स, मिडरिफ के क्लोज जो रो होगी वो इन्हीं की अपेंडिकुलेट स्केल्स की होती है। दूसरा, फिर हमने बात किया लिग्यूलेट स्केल्स, तो ये आउटर रो बनाते हैं, ठीक है, ये आउटर रो बनाते हैं स्केल्स की, और ये स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू अपेंडिकुलेट, और इनमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं। उसके बाद हमने बात करी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है कि जो भी थैलस का ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको ये स्केल्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं, और ऑल्सो दे रिटेन द वॉटर थ्रू द कैपिलरी एक्शन, और वॉटर को भी रिटेन करते हैं, ठीक है। ये चीज थी, डायग्राम मैंने आपको दे दिए हैं। उसके बाद तो अब हमने डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि एक जो सेक्सुअली एक मैच्योर जो थैलाई होता है वो क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक सेक्सुअली मैच्योर थैलाई जो होगा उसमें तो सबसे पहले स्पेशलाइज इरेक्ट ब्रांचेस होंगी, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? गैमिटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? गैमिटोफोर कहते हैं। और इन्हीं गैमिटोफोर के ऊपर क्या होता है? जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं गैमिटोफोर्स में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ से अराइज होते हैं? जो फ्रॉम द एपिक्स, ग्रोइंग एपिक्स इन द एपिकल नॉच, जो ग्रूव होता है, जो डिप्रेशन होता है, वहां पे जो एपिक्स होता है उस एपिक्स से क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या होते हैं? अराइज होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, दो तरह के गैमिटोफोर होते हैं, एक होता है एंथ्रीडियोफोर, एक होता है आर्चिगोनियोफोर। तो एंथ्रीडियोफोर क्या होता है कि एंथ्रीडियोफोर वो इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं जो हमेशा मेल थैलाई में प्रेजेंट होंगी, और ये एंथ्रीडिया बियर करेंगी, ठीक है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन बियर करेंगी,
और आर्चिगोनियोफोर जो है ये वो इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं जो हमेशा फीमेल थैलाई में प्रेजेंट होती हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि आर्चिगोनिया को ये बियर करेगी। इसमें आर्चिगोनिया होगा, ठीक है। अब क्या देखो, जैसे ये है, ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर है, तो ये आपका पूरा थैलस है और यहाँ पे जो ये दो इरेक्ट जो ये स्टॉक है, ठीक है, ये क्या है आपके एंथ्रीडियोफोर है और इनमें क्या है, फिर क्या होते हैं, ये डिस्क है, ये क्या है यहाँ पे आपका एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्चिगोनियोफोर की, तो आर्चिगोनियोफोर में देखो ये भी स्टॉक है और ये भी स्टॉक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, आर्चिगोनियोफोर कहेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये आर्चिगोनिया जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर थैलस में, अगर मार्केंशिया के थैलस में ये इरेक्ट ब्रांचेज हैं, ये गैमेटोफोर है, एंथ्रीडियोफोर है और आर्चिगोनियोफोर है, तो इसका मतलब थैलस जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तभी तो हम बात करें ना कि एक सेक्सुअली मैच्योर थैलस में क्या क्या चीजें होंगी, तो यही चीजें होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने इसमें डॉर्सल सरफेस के बारे में पढ़ा, वेंट्रल सरफेस पढ़ा और एक सेक्सुअली मैच्योर थैलस जो है उसके बारे में पढ़ा। डायग्राम मैंने आपको दे दिया है, बहुत सिंपल से डायग्राम है, ठीक है। मैंने भी इन्हीं डायग्राम्स को, जो नोट्स मैं आपको देती हूँ ना और जो डायग्राम्स मैं आपको देती हूँ, मैंने भी इन्हीं डायग्राम्स को, इन्हीं नोट्स को यूज किया है अपने एग्जाम्स में जब मैं थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।